प्रभात समाचार प्रीतिश शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास। मारपीट कर जबरन आबादी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पीड़ित की ही नहीं हो रही है सुनवाई। योगी सरकार में दबंग गई इस कदर बढ़ गई है कि अपने कब्जे की आबादी की जमीन में पीड़ित राजकुमार नहीं रह पा रहे हैं। विपक्षी द्वारा बार बार ईटा पत्थर लाठी डंडे से मारा पीटा जा रहा है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा विपक्षी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आए दिन ये मामला होता रहता है। पीड़ित के बच्चों में हमेशा भय का माहौल व्याप्त रहता है। मामला अम्बेडकर नगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहरी बाजार प्रतापपुर चमुरखा का है, जहां पर पीड़ित राम कुमार विश्वकर्मा पुत्र पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि 2013 से लगातार जिले के आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर अवगत कराता चला आ रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लेखपाल के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर प्रेषित कर दी जाती है तथा विपक्षी बजरंगी चौबे आए दिन उसकी आबादी की जमीन में हड़पने के चक्कर में मारपीट लड़ाई झगड़ा बार बार करता रहता है तथा खुद विपक्षी प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्या कन्या मिडिल की जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, उसमें अपनी गाय। मेरा नाम है राम कुमार विश्वकर्मा, कटेरी बाजार जनपद अम्बेडकर नगर का, मैं अस्थायी निवासी हूँ सर। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है सर, जो है हमारा एक बजरंगबली चौकी, हमारा पड़ोसी ज़बरदस्ती यहाँ सब बाउंड्री सब गिरा उड़ा दिया है, घर में घुस के ईटा गुम्मा फेंक रहा है। और हमने प्रशासन से हमने कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रशासन आज तक कोई यहाँ देखने ताकने झाँकने तक नहीं आए। कैसे क्या मामला है? हम लोग सर यहाँ आबादी में रहते हैं, आबादी में जी आबादी में घर मकान बन चुका है। कितने दिन से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? लगभग ये निवास 80-80 साल हम लोग यहाँ से रह रहे हैं। तो इसके बाद आपने शिकायत डीएम साहब यहाँ कहाँ कहाँ किया? हम डीएम पास शिकायत किया हूँ, एसओ पास शिकायत किया हूँ, लेकिन एसओ साहब महोदय यहाँ कहीं देखने तक नहीं आ रहे हैं। और लेखपाल? लेखपाल हमारे यहाँ के और हमारे यहाँ के प्रधान खाली रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, यहाँ कोई निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो विपक्षी बार बार मारने पर आमदा हो जाता है? जी सर, बार बार विपक्षी घर में घुसकर मारपीट करता रहता है, हमारे बच्चे पीछे निकलते हैं, हरदम ईटा गुम्मा फेंकता रहता है, यही सब समस्या है बनी हुई है। प्रशासन तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिल रहा? नहीं, प्रशासन तरफ से हमसे कोई मदद नहीं मिल रहा भैया जी। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।